हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है मेरी यूनि का फर्स्ट डे है, थर्ड ईयर का फर्स्ट डे है। और आई होप कि आज का दिन अच्छा जाए। हम लोग ने मतलब मैंने और मेरी रूममेट ने सोचा था कि हम लोग एकदम शरीफ बच्चों की तरह सुबह 5 बजे उठेंगे, पढ़ाई करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कुकिंग करेंगे, एकदम हेल्दी लाइफ स्टाइल जिएंगे। पर जब 5 बजे बाहर अंधेरा था और ठंड हो रखी थी, बिल्कुल भी कंबल छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। तो हम लोग फिर सोते ही रह गए। हम लोग 6 बजे उठे तो हम लोग ने थोड़ा बहुत आज की क्लास का प्रिपेयर किया है। कल रात में मैम ने टॉपिक वगैरह भेजे थे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो थोड़ा बहुत हम लोग ने क्लास के लिए प्रिपेयर किया है। और उसके बाद हमने नहा धो लिया है और अब हम क्लास के लिए निकल रहे हैं। आप टैक्सी यूज़ कर सकते हो यहाँ से जाने के लिए, बस यूज़ कर सकते हो, पैदल भी जा सकते हो। पैदल जाने में 1 घंटा लगता है। तो हम लोग 8 बज रहे हैं तो हम लोग इसलिए बस यूज़ करेंगे। फर्स्ट में हम लोग दूध और ब्रेड खाएंगे क्योंकि टाइम नहीं रह गया कि कुछ भी बनाए। तो दूध और ब्रेड गर्म कर लेंगे ओवन में और वही खा लेंगे। यूजुअल मैं तैयार हो गई हूँ, मेरी रूममेट अभी तक तैयार नहीं हुई है और मैं इसकी वजह से हमेशा लेट होती रहती हूँ और मैं आज भी इसकी वजह से लेट हो जाऊँगी। आप देखना ज़रूर, ये मुझे पता चल रहा है और मेरी बस छूट जाएगी 100%। मैं बिना बैग के जा रही हूँ क्योंकि मैंने अपना सारा सामान ऋतुजा के बैग में घुस दिया है। जितना भी कुछ सामान था, ज़्यादा कुछ सामान नहीं है, बस एप्रन है और मेरा टैबलेट है, इसलिए मैंने सोचा मैं बैग फ्री हो जाती हूँ। गाइज, ये हमारे हॉस्टल के बाहर कैफ़े खुला है, ओवर प्राइज्ड कैफ़े, जो हमसे पैसे लूटता है क्योंकि हम लोग फॉरेनर्स हैं। गाइज, ये ओवर प्राइज्ड रेस्टोरेंट, इन्होंने पहले इतना ही था और इन्होंने हमारे पैसे लेके लेके इतना बड़ा कर लिया है। अब वैसे अभी कोई आता नहीं है, इनका बिजनेस उतना चलता नहीं है। गाइज, ये सचिन है, इतना तैयार हो के कहाँ जा रहे हो सचिन? क्लासेस जा रहे हैं। हमें क्लासेस में से अच्छा दिखना पड़ता है गाइज, फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं ना हम लोग, इसलिए रोड क्रॉस करके वहाँ पे हमें खड़ा होना पड़ेगा। बस वहीं पे आती है, वैसे तो वो बस स्टॉप नहीं है, बस स्टॉप वहाँ पे कहीं पे, पर बस हर सिग्नल पे रुकती है तो हमें यहाँ से बस मिल सकती है। हमको यहाँ से इंस्टीट्यूट के लिए टैक्सी भी मिलती है, कॉमन टैक्सी 33 नंबर की, पर वो 3000 सोम लेती है और जो बस होती है वो सिर्फ 1000 सोम लेती है। तो हम लोग बस से जाना प्रेफर करेंगे अगर टाइम हो तो। गाइस, तो हमारी बस आ गई है, ये 394 है, ये इंस्टीट्यूट के आधे रास्ते तक जाती है। 1 नंबर की बस लो तो वो इंस्टीट्यूट तक जाती है। तो अभी हम इसमें बैठते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। ऑलरेडी 8:44 हो गया, हमारी 8:40 की क्लास थी, हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं तो अब हमें भागना पड़ेगा जल्दी जल्दी। Guys, so we were already very late, so Suyong saw us on the way and now we are in the taxi, so we don't get bored. I thought you guys are going another place. No. Okay, let's go for like 4 minutes. Batil blat. Bagu bagu. Bagu bagu. Bagu bagu. Guys, my class is simulation center. यहाँ पे बहुत सारी डमीज़ वगैरह होती है सर प्रैक्टिस के लिए, पर हमें कभी प्रैक्टिस कराई नहीं जाती है, बस एवं की डमीज रखी है। स्लीप ओवर द इंटेस्टाइन, ओके, लाइक दिस। सो फर्स्टली व्हेन यू आर डूइंग अ डीप पल्पेशन यू शुड स्टार्ट फ्रॉम व्हिच सिग्मोइड हियर। या यू आर राइट, या हाथ से प्यार हो गया कितना रियलिस्टिक है ना, अजीब अजीब लाइक। गाइस, हमें लगा था कि क्लास जो है वो 11:50 पे ओवर हो जाएगी, पर क्लास कितने बजे ओवर होगी? 8:40 से 1:10 तक हमें यहीं बैठना है। मुझे बहुत दूध और ब्रेड का क्या है, अरे इनको खाने की पड़ी है। अजीब। गाइस, मैंने मैम का ये स्टेटस को चुरा लिया है और आप देख सकते हो इसमें कुछ है भी नहीं। इसको क्या कहते हैं, डायफ्राम? डायफ्राम भी नहीं है, बेल भी नहीं है, यूजलेस स्टेटस को पे एकदम। पर ऐसा मेरे इसके साथ आउटफिट के साथ मैच हो रहा है तो इसलिए मैंने ले लिया। क्लास ओवर हो गई है, वैसे तो 1:10 पे ख़त्म होनी थी, पर अभी क्या टाइम हो रहा है तुझे?
हाँ इनको भी अभी 11:22 हो रहा है हम लोग, मतलब 8:40 पे क्लास शुरू थी और 1:10 पे खत्म होनी थी, तो मतलब एक घंटे का ऐसा ब्रेक था बीच में, पर हमने वो ब्रेक स्किप करवा दिया मैम से और हमने बोला कि हमें पढ़ा दो और फिर जल्दी क्लास खत्म कर दो, तो अभी क्लास खत्म होगी और 11:22 हो गए और अब हम घर जा रहे हैं और घर के लिए बस लेंगे क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारा टाइम है वेस्ट करने के लिए। इसलिए गाइज एक और चीज़ मुझे जो बतानी है, वैसे तो आज यहाँ पे कोई खूबसूरत लड़कियाँ हैं नहीं, वैसे रोज़ यहाँ पे खूबसूरत लड़कियाँ घूमती रहती हैं बिल्कुल तैयार हो के, और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि वो शनैल लुई वटॉन गुची के बैग लेके घूमती रहती हैं, फेंडी। जब मैं नई नई आई थी तो मैं सोचती थी ये लोग इतने अमीर कैसे, फिर मुझे बाद में पता चला ये लोग सब फेक लेके घूमते हैं और इन लोग का ऐसा फेक लेके घूमने में कोई दिक्कत भी नहीं है। नहीं आ रही बदतमीज हो तुम ना सच्ची। गाइस ये मेरी दोस्त सुयोंग, अरे हटो भाई अंकल बेचारी को हम छोड़ आए थे रोड क्रॉस करते बीच में कितनी क्यूट लग। गाइस बस में भीड़ देखो ये सब पता नहीं सचिन का पीछे खड़ा हुआ था पीछे। तो अभी टाइम हो रहा है 12:10 और हम लोग हॉस्टल वापस आ चुके हैं और अब तो कोई क्लासेस है नहीं हम लोग की, आज सिर्फ एक क्लास थी PID की। PID मतलब है इंटरनल डिजीज़, उसमें हमें बॉडी में जो भी सिस्टम्स हैं उनके डिजीज़ के बारे में बताते हैं। ओके तो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर हम लोगों को क्या होता है यहाँ से पढ़ के जाना पड़ता है घर से, टॉपिक्स दी जाते हैं हम लोग पढ़ के जाते हैं और फिर वहाँ पे क्लास में टीचर पूछती है और प्रोसीजर्स दिखाती है कि हमें कैसे क्या करना है स्टूडेंट्स के ऊपर। ओके सो PID में यही होता है, तो आज सिर्फ PID की क्लास थी। अब हम लोग हॉस्टल वापस आ गए, मुझे अभी वापस जाना पड़ेगा अपना सिम की रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। क्या होता है यहाँ पे, अगर आपका कोई नया फ़ोन आता है उज़्बेकिस्तान में तो स्लॉट जो होता है सिम का एक स्लॉट या दो स्लॉट जो भी चाहो आप रजिस्टर करवाना पड़ता है पासपोर्ट के साथ, और उसके बिना सिम सिर्फ एक महीने चलती है, अगर आप नहीं कराओगे तो एक महीने बाद सिम चलना बंद हो जाएगी। तो क्योंकि मेरा नया फ़ोन आया था मुझे वो सिम स्लॉट रजिस्टर कराना है, तो अभी हम लोग वो कराने जा रहे हैं। गाइस ये सब ऊपर यहाँ पे काम करते हैं और यहाँ पे कल होना चल रही है उज़्बेक में, ये लोग देख रहे हैं बैठ के तो सिम मतलब अपना सिम स्लॉट रजिस्टर कराने के लिए बस आपको पासपोर्ट और रजिस्ट्रेशन लगता है। जब आप पहली बार आओगे तभी आपको कराने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद अगर आप अपना फ़ोन नहीं चेंज करते तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए ये पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, आपको पासपोर्ट देना पड़ता है रजिस्ट्रेशन और अपना EMI नंबर दिखाना पड़ता है, तो वो रजिस्टर कर देते हैं आपका स्लॉट। थोड़ी चेंज हो गई है पिछली बार से, अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, हमें वो आदमी छोड़ के गया है यहाँ पे। हम लोग ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और मुझे लगे हैं 65,000 सोम का चूना लग गया है मुझे यहाँ पे, मतलब 60,000 का रजिस्ट्रेशन था और हमें पेनेट से पेमेंट करनी थी तो वहाँ पे 5,000 और ठुक गए, तो अब हम लोग का पूरा प्रोसेस हो गया, अब मेरी सिम नहीं बंद होगी फिलहाल। पेनेट ऐसी शॉप होती है जहाँ पे मतलब आप रिचार्ज वगैरह करा सकते हो, ऐसे खोखे होते हैं उसमें एक और इंसान बैठा होता है उसको आप पैसे दे दो अपना रिचार्ज वगैरह करा सकते हो। अभी हम लोग फूड ब्रेक पर रुके हैं बर्गर ग्रुप पे, हम बर्गर खाऊंगी मैं क्योंकि बहुत दिन से मैंने कुछ ढंग का खाया नहीं है। ये हम लोग के इंस्टीट्यूट के बाहर इन लोगों ने ऐसा ठेला खोल रखा है फूड पॉइंट और ऐसे बेंचेस वगैरह डाल दिए हैं, पहले इनका बर्गर अच्छा था पर दो तीन मतलब बीच में इन्होंने बंद कर दिया था, तो लेट्स सी कैसा होता है। हम लोग का स्पेशल बर्गर, लेट्स टेस्ट और मैं बताती हूँ फिर कैसा रहना है। हम लोग हॉस्टल के दूसरे रास्ते से अंदर आ गए हैं और देखो यहाँ पे कितना सारा हरा भरा है और यहाँ पे ना बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ है, बहुत सारे क्या, एक अमरूद के, एक सेब, एक एप्पल का फ्रूट का पेड़ है और शायद पोमोग्रेनेट का भी है। एप्पल अभी तो लगे नहीं है पर अनार लगे हुए हैं पीछे, हम लोग ने एक दो तोड़े भी पर मैंने अभी खाए नहीं है, कैसे होंगे टेस्ट में पता नहीं। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है यहाँ पे, इतनी धूप निकली हुई है यहाँ पे, बिना सनस्क्रीन के निकलोगे तो पूरा शरीर जल जाएगा तुम लोग का और कुछ नहीं, बहुत गर्मी हो रखी है। पर रात के टाइम पे मस्त ठंडा हो जाता है मौसम, एकदम ठंडा ठंडा, सुबह तो बहुत ठंडा लग रहा था आज पर अभी इतनी गर्मी हो रखी है कि क्या बताऊँ।